नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ डेली क्लास होती है मैथ्स की। हम पिछले दो लेक्चर्स में फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम फ्रैक्शन का तीसरा टाइप पढ़ेंगे, जो कि है लैडर फ्रैक्शन। अगर आपने पिछले दो टाइप नहीं देखे हैं तो पिछली दो वीडियो में जाएं, टाइप वन और टाइप टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की दो क्लास हो चुकी हैं, तो वो दो क्लास देखें, उसके बाद ये थर्ड क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। बाकी आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हैं। आज ये स्टार्ट करते हैं। आज आपके टॉपिक का जो नाम है वो है लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोल दिया जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोल दिया जाता है। इसको हिंदी में वृत्तबिंद बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको वितत भिन्न बोला जाता है। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा, शायद आपको नाम ना पता हो लेकिन आपने सभी ने देखा होगा। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं उसका। मान लीजिए मैं लिखता हूं 1+1/1 1+1/1 2/3। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये एग्जाम्पल आपके वितत भिन्न का है, इसे आप वितत भिन्न कहते हैं। देखिए, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इसको 5 से 6 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में आप कैसे सिंप्लीफाई करें। पहले मैं इसका आपको बेसिक मेथड बताता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका डायरेक्ट अप्रोच कि इसको डायरेक्ट कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक मेथड की, तो आप स्टार्ट करेंगे नीचे से, इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे यहां से। नीचे से आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे। यहां पे आपके पास क्या है? 1+2/3 अवेलेबल है। क्या है? 1+2/3। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। 3 × 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/3। क्या लिख सकते हैं? 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये जो 5/3 है ये 1 के डिवाइड में है। क्या है? 1 के डिवाइड में है। तो आप इस 5/3 को क्या करें, उल्टा कर दें। अब जो आपका नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 1+1/1, ये आपका 5/3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वही सेम, आप इसको ऐड करें। इसको ऐड करेंगे तो 5 × 5 + 3 क्या आ जाएगा आपका, 8/5 आ जाएगा। अब ये जो 8/5 है ये 1 के डिवाइड में है, यानी कि इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा करोगे तो आपका लास्ट फ्रैक्शन बचेगा 1+5/8। 1+5/8 को आप सिंपलीफाई करेंगे, 8 × 8 + 5 क्या हो जाएगा, 13/8। यानी कि इस फ्रैक्शन का जो फाइनल आंसर है, इन स्टेप्स के बाद क्या आया, 13/8 आया। अगर आप बेसिक अप्रोच से जाएंगे तो ये तरीका आपको यूज करना पड़ेगा, इसका आपको भी पता होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की, कि डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, आइए दोस्तों डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया है, 13/8 आया है। कितना आया है? 13/8 आंसर आया है। अभी फोकस करेंगे आप, मैं इसका आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको रेज कर दे रहे हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 1+2/3 डिवाइड में, ये सीरीज था आपका। स्टार्ट कहां से था? 1+1/1+1/1+3/2/3 ये आपका क्वेश्चन था। आप शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो लास्ट में आपका फ्रैक्शन है आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। फ्रैक्शन क्या है? 2/3। जो लास्ट फ्रैक्शन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो है आपका 2/3। तो आप यहां से 2/3 उठा लेंगे। 2/3 उठाएंगे तो ये आ जाएगा 2,3। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, जो लास्ट फ्रैक्शन है उसको लिख लीजिए 2,3 लिख लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार यहां पे 1 ऐड हुआ है, जितनी बार यहां पे 1 ऐड हुआ है आपको उतने ही स्टेप चलने हैं। जितनी बार यहां पे 1 ऐड हुआ है आपको उतने ही स्टेप चलने हैं। 1 देखिए कितनी बार ऐड हुआ है, 3 times ऐड हुआ है, 3 बार 1 ऐड हुआ है, तो आपको इसके बाद 3 स्टेप चलने हैं। और वो स्टेप कैसे चलेंगे आप, अगर यहां पे बीच में प्लस का साइन है
तो आप प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो आप माइनस करेंगे, प्लस का साइन है तो आप प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान रखें, ये जो सीरीज है ये फिक्स सीरीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहां पे हर जगह वन प्लस वन डिवाइड, वन प्लस वन डिवाइड, वन प्लस, यानी कि प्लस में भी वन है और डिवाइड में भी वन है, ठीक है ना, प्लस में भी वन है और डिवाइड में वन है, ये जो सीरीज आपकी फिक्स सीरीज होती है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो देखिए जितनी बार यहां पे वन आया है, कितनी बार आया है, तीन बार आया है, तो आपको तीन स्टेप चलने हैं। वो स्टेप कैसे चलेंगे, देखो आपको करना क्या है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस करना है, ठीक है, तो थ्री में टू को प्लस करिए, क्या आएगा, फाइव आएगा, पहला स्टेप। फाइव में थ्री को प्लस करिए, क्या आएगा, एट आएगा। दूसरा स्टेप, एट में फाइव को प्लस करें, कितना आएगा, थर्टीन। तीसरा स्टेप, तीन स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने बोला था जितनी बार वन आया है उतने ही स्टेप आप चलेंगे, तीन स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले दो फ्रैक्शन को पकड़ लीजिए, लास्ट वाले दो फ्रैक्शन क्या आपके, एट और थर्टीन, तो ये वाला डिजिट ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्टीन बाय एट। ये आपकी डायरेक्ट अप्रोच है, ये क्वेश्चन छोटा था, बेसिक से भी जल्दी हो जाता, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम्पल नेक्स्ट, वन प्लस वन अपॉन 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 वन प्लस टू अपॉन फाइव, मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाता आपके सामने, काफी लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लग रहा है दिखने में, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे, लास्ट फ्रैक्शन क्या है, लास्ट फ्रैक्शन यहां पे है टू बाय फाइव, तो आप लिखें टू कोमा फाइव, ये आप लिख लें, ये आपकी लास्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद मैंने बोला जितनी टाइम वन एड हुआ है उतने ही स्टेप चलेंगे, यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन जो है सिक्स टाइम आया है तो आपके छह स्टेप होंगे, ठीक है, जितने टाइम ये आएगा उतने ही स्टेप आपको चलने हैं। तो देखिए कैसे चलेंगे, फाइव में टू ऐड करेंगे क्या जाएगा, सेवन, सेवन में फाइव ऐड करेंगे क्या जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व में सेवन ऐड करेंगे क्या जाएगा, नाइनटीन, नाइनटीन में ट्वेल्व ऐड करेंगे क्या जाएगा, थर्टी वन, थर्टी वन में नाइनटीन ऐड करेंगे क्या जाएगा, फिफ्टी, और फिफ्टी में थर्टी वन ऐड कर लेंगे क्या जाएगा, एटी वन आ जाएगा। तो स्टेप काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स स्टेप आपके हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहां से उठाएं, 81 डिवाइड बाय 50, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका क्या है, 81 बाय 50 है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, एक दो एग्जांपल और करते हैं इस तरह के। मैंने आपको बताया अगर ये प्लस की सीरीज है तो आपको प्लस करना है, सीरीज माइनस की भी हो सकती है, तो माइनस की है तो माइनस करेंगे, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नोट करने के लिए वीडियो को रोक लिया करो, रोक के आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको रेज कर दीजिए, देखिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं माइनस का, माइनस में भी आपको ध्यान रखना, चलो पहले एक क्वेश्चन प्लस का ही कर लेते हैं, वन प्लस वन अपोन वन प्लस वन अपोन वन प्लस वन अपोन वन प्लस फाइव बाय सेवन, मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका, करिए फटाफट, पांच सेकेंड आपके पास, जल्दी से करिए। टाइम अप, देखिए फाइव बाय सेवन, आप सबसे पहले फाइव बाय सेवन पे फोकस करेंगे, फाइव कोमा सेवन, ये लास्ट फ्रैक्शन है आपका, फाइव कोमा सेवन। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जितने टाइम वन आया है उतने टाइम आपको स्टेप चलने हैं, कितनी बार आया है वन, चार बार आया है, चार स्टेप चलने हैं। चलिए फाइव प्लस सेवन करेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन करेंगे नाइनटीन, नाइनटीन प्लस ट्वेल्व करेंगे क्या जाएगा, थर्टी वन, और थर्टी वन प्लस नाइनटीन करेंगे क्या जाएगा, फिफ्टी। देखिए वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर स्टेप कंप्लीट, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, फिफ्टी बाय थर्टी वन। ओके एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट जी, एक बात सुन लो मेरे ध्यान से, ये जो सीरीज थी ये स्टार्ट थी वन प्लस समथिंग से, वन के प्लस में आगे एक सीरीज थी। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर देता है, वो ऐसे लिख देता है वन डिवाइड बाय वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री बाय एट, वैसे लिख देता है।
अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि इस वाली सीरीज में और इस वाली सीरीज में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको जो मेथड सिखाया है वो ये सिखाया है कि जहां से वन प्लस सीरीज स्टार्ट हो, वन प्लस सीरीज स्टार्ट हो, तो यहां पे यहां से स्टार्ट हो रही है वन प्लस, उसके बाद ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। यानी कि आप जो सिंप्लीफाई करेंगे, जो मेथड मैंने आपको बताया है वो इसके लिए बताया है। इसका अपन से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, लास्ट फ्रैक्शन क्या है 3/8, यानी कि 3.8 आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद तीन स्टेप होंगे, 1 2 3, थ्री स्टेप होंगे, तो ऐड करिए 8 + 3 11, 11 + 8 19, 19 + 11 30, तो ये तीन स्टेप हो गए, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 30/19 आएगा। क्या आएगा, 30/19 आएगा। लेकिन ये 30/19 जो है ये 1 के डिवाइड में है, कहां है, 1 के डिवाइड में है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 के डिवाइड में है, इसको उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19/30, ये आपका फाइनल आंसर है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सीरीज स्टार्ट कहां से हुई है। देखिए मैंने आपको जो मेथड बताया है वो बताया है 1 प्लस, उसके आगे सीरीज स्टार्ट हो। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे लिख देता है कि 1 के डिवाइड में सीरीज लिख दी, तो सीरीज को आप सॉल्व करें 30/19 आएगा और फिर उसको उल्टा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 19/30। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन माइनस का करते हैं। देखिए माइनस के क्वेश्चन में आपको बड़ा ध्यान रखना है, माइनस के क्वेश्चन में करते हुए बहुत सारी गलतियां होती हैं। देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया 1 - 1 upon 1 - 1 upon 1 - 1 upon 1 - 1 upon 1 - 3/11, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। ये हर एक जगह माइनस का साइन है, अलग अलग साइन भी हो सकता है, कहीं माइनस का कहीं प्लस का, कहीं माइनस का कहीं प्लस का। नेक्स्ट सीरीज वही करेंगे कि जहां पे प्लस माइनस का टाइम हो। ठीक है, और एक बात कि यहां पे हर जगह 1 1 1 1 है, अलग अलग डिजिट भी हो सकता है, 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी मेथड आपको बताऊंगा, आराम से आप वीडियो देखते रहे। यहां ये हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि लास्ट वाला फ्रैक्शन पकड़ते हैं 3/11, ये आपका लास्ट फ्रैक्शन है, इस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे हम प्लस करते थे वैसे ही आपको माइनस करना है, जैसे हम प्लस करते थे वैसे ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप कितने होंगे, 5 स्टेप होंगे, और हर स्टेप किसका है, माइनस का है। तो देखिए 11 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 8। अब ध्यान से देखना, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -3, ध्यान से 8 में से क्या माइनस करेंगे, 11, तो आपका क्या आएगा, माइनस का 3। अब ध्यान रखना, -3 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11। देखिए -3 में से माइनस करेंगे 8 तो क्या आएगा, माइनस का 11 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, -11 में से -3 करेंगे, -11 में से -3 करेंगे तो आपका आएगा -8। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूं, -11 में से माइनस करेंगे -3, -11 में से माइनस करेंगे -3, तो भाई देखो -11 में से माइनस करेंगे -3, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का 3, तो बचेगा क्या, माइनस का 8। 1 2 3 4, 4 स्टेप हो चुके हैं, हमें जाना 5। अब -8 में से -11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, क्या जाएगा, 3, कैसे, ऐसे -8 में से माइनस करेंगे -11 तो आपका क्या जाएगा, 3, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, प्लस का 11 माइनस का 8 तो आपका क्या जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो लास्ट के दो स्टेप को पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए इनको, -8 और 3 को, आपका आंसर क्या लिखेंगे यहां पे, -3/8, ये आपका आंसर। अगर लास्ट वाले दोनों डिजिट जो है माइनस के बच जाते, लास्ट वाले दोनों डिजिट किसके बच जाते, माइनस के बच जाते, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ जाता। दोबारा बता रहा हूं भाई, माइनस करते हुए ध्यान रखना, जितने स्टेप हैं उतने ही चलेंगे, वो सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा,
8 में से 11 माइनस करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 11 आ जाएगा, माइनस 11 में से माइनस 3 करेंगे माइनस 8 आएगा, ठीक है, माइनस 8 में से माइनस 11 करेंगे 3 आ जाएगा। लास्ट के दो स्टेप को पकड़ लीजिए, 3 बाय माइनस 8 यानी कि माइनस 3 बाय 8। अगर ये दोनों दोनों डिजिट माइनस के होते लास्ट में तो माइनस से माइनस कट जाता और आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों साइन हो, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों साइन अवेलेबल हो। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है 1 + 1 / 1 - 1 / 1 - 3/10, मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहां पे कुछ जगह प्लस है और कुछ जगह क्या है माइनस है, तो आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जिस स्टेप पे प्लस है वहां प्लस करेंगे, जिस स्टेप पे माइनस है वहां पे हम माइनस करेंगे। देखिए लास्ट फ्रैक्शन क्या है 3, 10, पहला साइन किसका है माइनस का है, पहला साइन किसका है माइनस का, तो आप माइनस करेंगे 10 में से 3 माइनस कर दीजिए क्या बचेगा 7। दूसरा साइन प्लस का, प्लस कर दीजिए 7 में 10 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 17। तीसरा साइन किसका है माइनस का, फिर माइनस कर दीजिए 17 में से 7 माइनस करेंगे 10। आगे दो साइन है दोनों किसके हैं प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो दो बार प्लस करिए, यह आ जाएगा आपका 27 और यह आ जाएगा आपका 37। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट फ्रैक्शन जो थी वो आपकी क्या थी 3/10 थी, 3/10 को लिख लिया हमने 3, 10, तो अब क्या करेंगे पहला साइन माइनस का माइनस कर दीजिए 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, दूसरा साइन प्लस का प्लस करिए 7 में 10 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा, तीसरा साइन माइनस का फिर माइनस कर दीजिए 17 में से 7 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। आगे दो साइन है दोनों प्लस के हैं तो दो बार प्लस करिए 10 में 17 प्लस करेंगे 27, 27 में 10 प्लस करेंगे 37, तो आपके लास्ट दो डिजिट पकड़ लीजिए लास्ट में क्या है 27, 37, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37/27, ये आपका आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, जल्दी है नोट कर लीजिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है देखिए भाई क्वेश्चन आया हुआ था ध्यान से बोर्ड पे एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 + 1 / 1 + 1 / x = 8/5, यहां पे आपको फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / x, ये जो x है ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल दे रखा है 8/5 के इक्वल दे रखा है, तो आपको बताना था कि x का वैल्यू क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट अप्रोच पे चलिए, तो आप डायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहले क्या करते हैं कि लास्ट वाले फ्रैक्शन को ले लेते हैं, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है 1, x है, ध्यान से देखिए क्या है 1, x। अब आपको कितने स्टेप चलने हैं 1, 2, 3, 3 स्टेप चलने हैं। चलिए x में 1 ऐड करेंगे x + 1, ध्यान से देखना भाई x में 1 ऐड करेंगे x + 1, अब आपको x + 1 में x ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 2x + 1, x + 1 में क्या ऐड करना है x ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 2x + 1, दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे स्टेप के लिए 2x + 1 में x + 1 ऐड करें क्या आ जाएगा 3x + 2, तीन स्टेप आपके कंप्लीट, लास्ट दो स्टेप को पकड़ लीजिए 3x + 2 / 2x + 1 किसके इक्वल दे रखा आपको 8/5 के इक्वल दे रखा है, क्या दे रखा है 8/5 के इक्वल दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x + 8 = 15x + 10 के बच जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई यहां में करोगे 5 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो यह आ जाएगा इक्वेशन। अब ये 15x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 8 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका x का वैल्यू क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है देखिए इसको ध्यान से कि आपने कैसे x का वैल्यू फाइंड आउट किया, आपको इसी अप्रोच का ध्यान रखना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी नोट करिए भाई। ठीक है अब हम बात कर लेते हैं
कि यहां पे हर जगह वन 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 था, कुछ और भी प्लस हो सकता है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट एक छोटा सा वे यूज करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में लिख लेता हूं, वन प्लस वन अपोन टू प्लस वन अपोन टू प्लस वन अपोन थ्री प्लस वन अपोन फाइव। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता आपके पास, या फिर यहां पे थ्री कर लेते हैं, यहां पे फोर कर लेते हैं। मान लीजिए यहां आपका थ्री और यहां आपका फोर। क्वेश्चन है आपका वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फाइव। अगर यहां पे प्लस में अलग अलग डिजिट आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वन है तो आपको डायरेक्ट ऐड ही करना है, अगर वन है तो आपको डायरेक्ट ऐड ही करना है, लेकिन जब अलग अलग डिजिट आ जाए आपको थोड़ा सा एक वैल्यू चेंज करना है, वो देख लीजिए। हम लास्ट फ्रैक्शन पे फोकस करेंगे। लास्ट फ्रैक्शन देखो आपका क्या है, वन बाय फाइव, यानी कि इसको आप लिखिए वन कोमा फाइव। प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस ही करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस ही करेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि वन के अलावा यहां पे जो कुछ भी है आपको उसका मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट के साथ। उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? लास्ट डिजिट के साथ करना है, और पहले वाला डिजिट आपको ऐड कर देना है। कैसे? देखिए लास्ट डिजिट क्या है यहां पे? फाइव है। दोनों में लास्ट क्या है? फाइव है। फाइव का मल्टीप्लाई करोगे फोर में, क्या आ जाएगा? ट्वेंटी। और ट्वेंटी प्लस वन, यानी कि पहला स्टेप आ गया आपका 21। दोबारा सुन लीजिए, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट आपके पास यहां पे है, फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे फोर में, ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस करेंगे वन, ट्वेंटी वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इन सभी में लास्ट कौन है? ट्वेंटी वन है। ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री में, ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री में, कितना हो जाएगा? सिक्सटी थ्री। सिक्सटी थ्री प्लस फाइव कितना हो जाएगा? सिक्सटी एट। ध्यान से देखते रहिए, ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई थ्री में, सिक्सटी थ्री प्लस फाइव 68, क्योंकि सेकंड लास्ट तो ऐड ही होगा। अब 68 का मल्टीप्लाई किसमें? 68 का मल्टीप्लाई 2 में, 68 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। कितना आ जाएगा? 136। और 136 में ऐड क्या होगा? 21 ऐड होगा। 136 में 21 ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 157। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 68 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 68 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 136 आ जाएगा। 136 में ऐड करेंगे 21 तो क्या आ जाएगा? 157। आगे क्या है? 1 है, 1 के लिए तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 2, 2, 225 आ जाएगा। और आपका आंसर क्या बनेगा बताओ? आंसर बनेगा 225 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 157। ये आपका आंसर है, 225 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 157। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का। देखिए वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस या 5, जो भी 5 प्लस 1 अपॉन 2, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो लास्ट फ्रैक्शन पकड़ लीजिए आप। लास्ट फ्रैक्शन क्या है? 1, 2। अब मैंने बताया लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई यहां पे 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 11। 11 मल्टीप्लाई 3 33 प्लस 2 35। 35 मल्टीप्लाई 2 70 प्लस 11 81। 81 मल्टीप्लाई 1 81। 81 में ऐड कर लीजिए 35 क्या आ जाएगा? 6116 आ जाएगा। 116 आ जाएगा। लास्ट दो फ्रैक्शन पकड़ लीजिए तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 116/81। 116 डिवाइड बाय 81 ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका लैडर फ्रैक्शन चल रहा है। इसका एक टाइप और बचता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए दोस्तों, इसका एक लास्ट टाइप बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, एसएससी में, एचएसएससी में बहुत बार एग्जाम्स में आया है। देखिए इसको नोट करिए एक बार। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सीरीज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b
बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी इक्वल दे रखा है 39/23। आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं आपको। ठीक है, बेसिक में टाइम खराब करने वाली बात है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 39 को 23 से डिवाइड करेंगे, कर लेंगे, लिख रही कैसे करेंगे, 23 बचेगा कितना बताओ, बचेगा 16/23। एक बात सुनो ध्यान से, ये जो आपका वन है, ये वन है जो यहां पे है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इस 16/23 को उठा लेंगे यहां से और इसको इनवर्स कर देंगे, 23/16 लिख देंगे। इनवर्स क्यों कर देंगे, क्योंकि वन के डिवाइड में चला जाएगा। अगली इक्वेशन जो आपकी वन के डिवाइड की है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 23/16 क्या लिखेंगे, 16 × 16, ठीक है। बचेगा कितना बताइए, 16 × 16 बचेगा 7/16, क्या बचेगा 7/16। जो ये वन है, ये ए का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ए का। तो अब जो बचा आपका, इसको इन्वर्स कर दीजिए, 16/7 करिए, 7 × 2 = 14, 2/7, 2/7 को फिर इन्वर्स कर दीजिए, 7/2, 2 × 3 = 6, बचेगा 1/2। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ध्यान से देखिए, ये आपका ए है जो यहां आया है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये लास्ट आपका क्या है, डी है। ये प्रोसेस है कंप्लीट इसको शुरू करने की। आपको ए प्लस बी प्लस सी डी बताना था, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर आप इसको उठा के इस पैटर्न में रखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, 39/23 ही आएगा। आपको एबीसीडी बताना है, तो 1 + 2 + 3 + 2, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3, 4, 7, आपका आंसर है 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप इस नंबर को लिखेंगे, 23 × 23 बचेगा 16/23, तो 16/23 जो है इसको उल्टा कर लीजिए, 23/16, ये जो वन है, ये वन आपका ये है जो यहां पर रखा हुआ है, ये वन आपका ये है, ठीक है। उसके बाद 23/16 को लिख सकते हैं 1 × 7/16, ठीक है, ये वन आपका ये आ गया। 7/16 को उल्टा कर लें, 16/7, यहां से सॉल्व करेंगे, 2 × 2/7, ये आपका भी आ गया 2, 2/7 को फिर उल्टा करेंगे, 7/2, इसको लिखेंगे 3 × 1/2, ठीक है। तो आपका सी आ गया और लास्ट आपका डी है, एबीसीडी आपको बताना था, नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, सेम डिटो लिखिए, पर जल्दी नोट करिए दोस्तों, फिर चलते हैं आगे, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो आराम से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था भाई, क्वेश्चन है 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, जो किसके इक्वल है, 29/154 के। आपको फाइंड वही करना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे लास्ट क्वेश्चन में जो सीरीज स्टार्ट थी वो कहां से स्टार्ट थी, वो स्टार्ट थी 1+ something से, लेकिन ये 1 के डिवाइड में सीरीज है। तो एक बात सुन लीजिए ध्यान से, 1 के डिवाइड में सीरीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के डिवाइड में करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1 के डिवाइड में लेके जाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका 154/29, आप ऐसे लिख देंगे इसको। या दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि बड़ा नंबर ऊपर रखें, छोटा नंबर नीचे ले आए, डायरेक्ट अगर हम बात करें कि बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा और छोटा नंबर नीचे आ जाएगा। अब देखिए 29 से 154 को डिवाइड करेंगे, तो 29 × 5 = 145, बचेंगे कितने, 9/29। ये आपका जो है, इसको आप फिर इन्वर्स कर देंगे 29/9,
जैसा कि मैंने बोला कि बार बार आपको उल्टा करना है, बड़ा डिजिट ऊपर छोटा डिजिट नीचे, क्यों? क्योंकि वन के डिवाइड में सीरीज जा रही है बार बार, ठीक है? तो इसलिए इसको उल्टा करेंगे। तो चलिए 29 बाय 9 को क्या लिखेंगे, 9 3 जा 27, बचेंगे 2 बाय 9, इसको फिर उल्टा कर दीजिए 9 बाय 2, 2 4 जा 8, बचेगा 1 बाय 2, इसको लिखते हैं 4.5, ठीक है? तो ये भाई आपका एंड हो गया यहां पे, क्योंकि अब 1 बाय 2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। ये लास्ट फॉर्म आपकी 1 बाय डी, सी प्लस 1 बाय डी लास्ट फॉर्म आपकी, ठीक है ना? जितने स्टेप उल्टा कितनी बार करना है देखो, 1 2 3 बार उल्टा करना है। कितनी बार उल्टा करना है? जितनी बार वन के डिवाइड में है उतनी बार ही उल्टा करना है। एक बार तो आपने यहां पे कर लिया, 1 2 3, तीन बार हमने उल्टा कर लिया, बात खत्म। तो आपका आंसर क्या बनेगा बताइए, ए कहां है? ए ये है भाई, ये बी है, ये सी है, और ये लास्ट क्या है आपका, डी। यह आपका एबीसीडी। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, ये 5, 9, 10, 4, 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 14, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये। लैडर सीरीज बोल लीजिए, विदत बिन बोल लीजिए, तो इसके जितने टाइप बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। इन टाइप्स को ध्यान से देख लें, आपको हर एक एग्जाम में यूजफुल होंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। तो भाई धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।